नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में पूजा होती है या फिर मंदिरों में पूजा होती है, उसके बाद शंख भी बजाया जाता है। शंख ही बहुत मधुर होती है, जिसके कानों में पड़ने से हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान ही शंख यानी कि 12 रत्नों में से एक शंख भी था, जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर में शंख रखा होता है तो अनिष्टों का प्रभाव कम करता है और जो भी घर में शुभ कार्य होता है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर जिस घर में शंख रखा होता है तो उस घर में लक्ष्मी निवास करती है और वह घर कभी भी छोड़कर नहीं जाती। माना जाता है कि भगवान विष्णु का शंख बहुत प्रिय है और इसलिए भगवान विष्णु भी उसी घर में विराजमान होते हैं जहाँ पर शंख में प्रयोग होता है। तो आज जानते हैं क्या है शंख के महत्व। शंख की उत्पत्ति उस समय हुई जब समुद्र मंथन के दौरान 12 रत्न भी निकले थे, जिसमें एक हराहर विष भी निकला था। 12 रत्नों में से माँ लक्ष्मी और शंख उन रत्नों में से दो हैं। जो भी आपके घर में शुभ कार्य किया जाता है उस दौरान इनकी पूजा भी अनिवार्य मानी जाती है। 14 रत्नों में शंख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि शंख और जल से निकलने वाले हर पदार्थ को, जल के बिना जीवन नहीं है, शंख भी हमें जल से ही मिला था यानी कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था, इसलिए शंख को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और शंख को घर में रखने से हमारे घर में समृद्धि आती है। शंख दो प्रकार के होते हैं, एक वामा व्रत होता है और एक जिस शंख का उदर दक्षिणा व्रत की तरफ खोलता है, समझ लीजिए वह दक्षिणा व्रत शंख है, और जिस शंख का उदर बाई ओर खुलता है तो समझ लीजिए वह वामा व्रत शंख है। यह वैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे ज्यादा खास भी होता है। यदि वामा व्रत शंख आपके घर में भी होगा तो वह आपके लिए खास है, उसका आप यूज कीजिए। घर में सुबह शाम शंख बजाने से घर में समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है और घर से नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। शंख भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में शंख भी एक शस्त्र माना जाता है और वह उंगली की बनावट के आकार का होता है, इसलिए इसे हम पंचमुखी भी कहते हैं यानी कि 5 उंगलियों के आकार में बनने वाला एक आकार, जिसे हम शंख कहते हैं। जिस घर में शंख होता है उस घर में समृद्धि और धन बहुत अधिक होता है और कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती, सभी समस्याएं शंख के रखने से ही दूर हो जाती हैं। कहते हैं राहु और केतु को भी अगर अपने घर से दूर रखना हो तो शंख की स्थापना आप अपने घर में कराइए, और अगर आपको वास्तु दोष भी सताता है तो उसके लिए भी शंख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में शंख होता है समझ लीजिए वह घर बहुत ज्यादा पवित्र होता है। गंगा जल भरकर हम शंख में रखते हैं और उस शंख के द्वारा हम गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारे घर में वास्तु शास्त्र की कोई भी अगर दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाए और वह हमारे घर में समृद्धि लेकर आए। शंख को साफ करने के बाद हम एक लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं और एक मिट्टी के बर्तन पर रखते हैं। यह शंख को रखने के तरीके होते हैं। यदि आप शंख को खुलेआम छोड़ देंगे तो उसमें आपको कीड़े या फिर कोई भी गंध जमना शुरू हो जाती है। शंख की मधुर आवाज आपके कान को एक दुष्प्रभावों से बचाती है और आपके मन को शांत रखती है। तो ये है शंख के महत्व, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।